नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपावली में। मैं हूं आपकी होस्ट रचना और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जो ना सिर्फ भारतीय राजनीति में बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखते हैं बल्कि उनकी जिन्होंने भारत देश के फाइनेंस को भी बहुत अच्छे से टैकल किया है। वर्तमान भारतीय राजनीति में जिन नेताओं की सबसे ज्यादा बात होती है उनमें से एक है भाजपा के नेता और देश के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। पेशे से वकील अरुण जेटली की इस पद तक पहुंचने की राजनीतिक यात्रा भी कम दिलचस्प नहीं है। अपनी बेहतरीन वक्तव्य शैली के लिए जाने वाले श्री जेटली को देश के बेहतरीन वकीलों में से भी गिना जाता है। उन्होंने देश के कई चर्चित मामलों में पैरवी की है। हम आपको उनके जीवन से जुड़ी जानकारियां दें उसके पहले मैं स्वागत करना चाहती हूं उन सभी लोगों का जो पहली बार हमारे चैनल में आए हैं। दोस्तों, आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अब आप आए हैं तो हमें छोड़कर ना जाएं। उसके लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें सो दैट आप हमारे वीडियो मिस ना कर पाएं। अरुण जेटली जी के शुरुआती जीवन की बात किया जाए, अरुण जेटली जी का जन्म 28 दिसंबर सन 1952 को वकीलों और समाज सेवियों के परिवार में हुआ। उनके परिवार में हमेशा से ही सामाजिक कार्यों की परंपरा रही है। उनके पिता महाराज किशन जेटली भी पेशे से वकील थे और दिल्ली के नारायण विहार में निवास करते थे। अरुण जेटली की माँ रत्ना प्रभा एक समाज सेविका थी। अरुण जेटली ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल दिल्ली से ही पूरी की। शुरू से ही उनका रुझान पढ़ाई के प्रति था और वे अपने स्कूल के होनहार विद्यार्थियों में से गिने जाते थे। पढ़ाई के अलावा डिबेट्स और क्रिकेट उनके पसंदीदा विषय थे। अपनी आगे की पढ़ाई उन्होंने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पूरी की जहां उन्होंने एक बेहतरीन डिबेटेटर के रूप में अपनी पहचान स्थापित की और कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए। अपनी वकालत की पढ़ाई उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरी की। बचपन से ही पारिवारिक माहौल मिलने के कारण उनकी रुचि वकालत, कानून और राजनीति में हो गई थी और अपने कॉलेज के चुनाव जीतने के बाद उन्होंने इस दिशा में कदम बढ़ाना उचित समझा। उस दौर में वे जनता पार्टी के भ्रष्टाचार उन्मूलन आंदोलन से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने इस पार्टी को खुद से जोड़ा और आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी ने उन्हें युवा संगठन में काम करने के लिए पद दिया। अरुण जेटली जी के निजी जीवन के बारे में बात करें तो अरुण जेटली जी ने गिरधर लाल डोगरा और शकुंतला डोगरा की बेटी संगीता से विवाह किया। उनसे उनका एक बेटा रोहन जेटली और एक बेटी सोनाली जेटली हुए। उनकी दोनों संतानों ने भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए वकालत को पेशे के रूप में अपनाया। अब हम बात करते हैं अरुण जेटली जी की राजनीतिक करियर के बारे में। तो सही मायनों में अरुण जेटली जी की राजनीतिक यात्रा 1974 में शुरू होती है जब वे पहली बार अपने कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। उनकी यह सफलता साधारण नहीं थी क्योंकि यह वह दौर था जब कांग्रेस देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक पार्टियों में से एक थी। संगठन नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया का देश भर के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में काफी प्रभाव था। ऐसे वक्त में अरुण जेटली ने अपने कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने अपने कॉलेज में NSUI का वर्चस्व तोड़ा। वे इस दौर में भारतीय राजनीति के नेता जयप्रकाश नारायण से खासे प्रभावित रहे जिन्हें देश भर में जेपी के नाम से जाना जाता है। इसी बीच जब अरुण जेटली राजनीति का पाठ सीख रहे थे तभी 1975 में देश में 22 महीनों के लिए आपातकाल लग गया। उन्होंने इसका विरोध किया और वे उन नेताओं में से रहे जिन्हें इसका विरोध करने के कारण 19 महीने दिल्ली की तिहाड़ जेल में बिताने पड़े। इस घटना को वो अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट मानते हैं क्योंकि अपनी जेल यात्रा के दौरान उन्हें ढेरों तरीके से लोगों को देखने, समझने और मिलने का मौका मिला था। जैसा कि सबको पता है कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय के एक वरिष्ठ वकील भी हैं और इसके पहले वे भारत के अतिरिक्त सॉलिटरी जनरल भी रह चुके हैं। वे 2002 से 2004 तक भारतीय जनता पार्टी के सचिव भी रहे हैं। 2009 में उन्होंने अपने इस पद को तब छोड़ा जब वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा में सांसद के तौर पर चुने गए। वे अपनी पार्टी के मुख्य रणनीतिकारों में से एक माने जाते हैं। इसके अलावा वे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे लेकिन IPL के दौरान अपने ऊपर लगे आरोपों के कारण उन्होंने निष्पक्ष जाँच करवाने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब हम बात करते हैं अरुण जेटली जी के जीवन में आए उतार चढ़ाव की। 1977 में अरुण जेटली जी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दिल्ली का अध्यक्ष और पूरे भारत के लिए इस संगठन का सचिव बना दिया गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए लंबे समय तक काम करने के बाद अरुण जेटली ने 1980 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। उन्होंने इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली शाखा में एक युवा ब्रिगेड की भी स्थापना की। 1991 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य चुन लिया गया। 1998 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में भारत सरकार की ओर से डेलीगेट बनाकर भेजा गया। 1999 में अरुण जेटली जी को आम चुनाव से ठीक पहले पार्टी प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया।
चुनाव में भाजपा की जीत मिलने के बाद उन्हें मिनिस्टर ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बनाया गया। इसी दौरान उन्हें लॉ, जस्टिस और कंपनी अफेयर जैसे विभागों के लिए काम करने का मौका दिया गया। इसके बाद आगे चलकर उन्हें विनिवेश के लिए गठित किए गए नए मंत्रालय का जिम्मा सौंपते हुए कैबिनेट में राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किया गया। 2000 में उन्हें गुजरात से राज्यसभा सांसद के रूप में पहली बार चुना गया। इसी वर्ष उन्हें कानून, न्याय और कंपनी मामलात मंत्रालय के लिए मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई। राम जेठमलानी के कैबिनेट से इस्तीफे के बाद 2000 में ही उन्हें उनकी जगह कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया। कानून मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए उन्होंने अपने मंत्रालय के लिए सिविल प्रोसीजर कोड, भारतीय दंड प्रक्रिया और कंपनीज एक्ट में कई संशोधन करवाए। इसके बाद उनके राजनीतिक जीवन में बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने भाजपा में जनरल सेक्रेटरी बनने के लिए 2002 में इस्तीफा दे दिया था। 2003 तक वे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी अपनी सेवाएं देते रहे। 2003 में उन्हें एक बार फिर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और लॉ एंड जस्टिस की कमान संभाली। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने विश्व व्यापार मंडल के साथ भारत की भूमिका को निर्णायक मोड़ दिया, जिस पर देश आज तक कायम है। 2006 और 2012 में उन्हें दो बार गुजरात से राज्यसभा सांसद के रूप में चुनकर भेजा गया। 2014 में उन्होंने लोकसभा के अमृतसर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। परंतु मोदी सरकार ने उन्हें वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट अफेयर्स का पद दिया, लेकिन 2019 के चुनाव में उनकी तबीयत ठीक न होने की वजह से उन्होंने कोई भी पद लेने से मना कर दिया। दीपावली चैनल उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है।